अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस और आज जो क्लास मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ काफ़ी मज़ेदार क्लास है। कल मैंने आपको समझाया था फेस अवेयर लिक्विफाई टूल के बारे में, आज लिक्विफाई टूल के जितने भी बकाया हम लोग के पास टूल्स रह गए हैं वो सब मैं आपको समझाऊँगा। तो काफ़ी मज़ेदार क्लास है, कैसे आपने स्लिम करना है किसी को, किस तरह आपने जो है आपने उसके फेस के फीचर्स चेंज करने हैं, तो ये इस क्लास में आपको समझाऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक इमेज ले लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं लिक्विफाई अप्लाई करूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि कॉपी लेना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप पिक्चर एडिटिंग करेंगे तो एक इमेज की कॉपी ज़रूर लेंगे। तो कंट्रोल जे करके मैं इसकी एक कॉपी ले लूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि इस पे मैं लिक्विफाई अप्लाई कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूँगा इस पे, इसी लेयर पे मैं राइट क्लिक करूँगा जब, तो इसको मैं कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास अलग से लेयर बन के आ जाएगी कि जो आपने एडिटिंग की है अगर आप उसको रखना चाहेंगे तो ओके है, अदरवाइज़ अगर आप चाहेंगे वो डिलीट हो जाए या हाइड हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं फिल्टर्स पे। फिल्टर्स पे जाते हैं, हमारे पास लिक्विफाई की ऑप्शन आ रही होती है। कल जो लास्ट क्लास थी हम लोगों की उसमें मैंने आपको समझाया था ये फेस लिक्विफाई के ऑल जितने भी हमारे टूल्स हैं, आईज़ को कैसे मूवमेंट करना है, नोज़ को कैसे करना है, माउथ को कैसे करना है, तो ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड, ये जो हमारे सामने लेफ्ट साइड पे जितने भी टूल्स आते हैं उसका क्या मकसद है और क्या काम है और कौन से अदर टूल्स जो हम लोग ज़्यादातर यूटिलाइज करते हैं। तो लेफ्ट साइड के साथ साथ हम लोगों को राइट साइड की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं, ब्रश का साइज़ अभी देखें कितना छोटा है, लेकिन जब मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, जब मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगा तो ये आप देख सकते हैं अब इतना बड़ा साइज़ हो गया है। फिर और छोटा करना चाहूँ और छोटा कर सकता हूँ। डेंसिटी मैं इसकी कर सकता हूँ, प्रेशर रेट मीन्स के किस कितनी अमाउंट में, जब आप जो है ना टैब पे काम कर रहे होते हैं या आप जो है टचिंग पैड पे काम कर रहे होते हैं तो आपका प्रेशर भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई लोग ज़्यादातर जो हम लोग एनिमेटर्स हैं, हम लोग जब भी एनिमेशन बनानी होती है तो हम लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग प्रेशर के हिसाब से जो है ना ब्रश के स्ट्रोक करना होता है, तो इस वजह से उस हिसाब से प्रेशर का आप रेट दे सकते हैं, उसके बाद दूसरा रेट भी आप दे सकते हैं। उसके बाद जो इधर हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आ रही होती है वो है फॉरवर्ड रैप टूल की। फॉरवर्ड रैप टूल क्या हमारे सामने काम करेगा, इसको अगर आप चाहेंगे ब्रश का साइज़ आप इधर से भी कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट ब्रैकेट आ रही होगी, ये नीचे मैंने जो शॉर्टकट्स ऑन किए हुए हैं, लेफ्ट ब्रैकेट से आप इसको छोटा करेंगे और राइट ब्रैकेट से इसको बड़ा करेंगे। जिस तरह आप ब्रश में करते थे, जिस तरह आप रेजर में करते हैं, जिस तरह आप जो है स्टंप टूल में करते हैं, उसी तरह सेम टू सेम शॉर्टकट यही है। तो रैप का क्या मकसद है, रैप अगर मैं इसको मैं जूम करूं और मैं चाह रहा हूं यार मैं इसको रैप करना चाह रहा हूं, इसका नोज को रैप करना चाह रहा हूं, ये आप देख सकते हैं इसका नोज इस तरह हो गया है, इसको इस तरह करना चाह रहा हूं बालों को, तो मैं इसको इस तरह मूवमेंट कर सकता हूं, ये आप देख सकते हैं। किस तरह की भी डिस्टॉर्शन आप चाहें वो कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। कंट्रोल जी एक बार आप करेंगे तो एक साइड पे पीछे जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे तो दो बार पीछे जाएगा, तो इस तरह आप काम कर सकते हैं जिस तरह आम रूटीन में काम करते हैं। तो आप जो रैपिंग टूल यूज़ होता है मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आप चिन को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं, या कोई मोटा बंदा है उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी एग्जाम्पल दे के आपको वो चीज़ भी समझाऊँगा। तो अभी पहले एक स्मॉल सी डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझा सकूँ तो कि आप जो रैप टूल है वो जस्ट इस तरह उसको मूवमेंट करने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड जो टूल हमारे पास आ रहा है ये इतना काम का टूल नहीं है, तो इस वजह से वो ज़रूरी नहीं है, ये स्मूथ टूल भी इस हिसाब से यूज़ नहीं होता। ये जो थर्ड हमारे पास टूल है ये ट्विल का टूल है। ट्विल किस लिए यूज़ होता है, ये ज़्यादातर जो है ना फ़नी इमेजेस बनाने के लिए, मीन्स के आप किसी दोस्त को तंग करने के लिए या जो है ना कोई भी फ़नी इमेजेस बनाने के लिए आप ट्विल टूल यूज़ करते हैं। मैं इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, जब मैं इसका फेस ये देखें मैं ट्विल कर रहा हूँ, इसको मैं लेफ्ट क्लिक किए रखूँगा तो ये ट्विल खुद ब खुद अप्लाई होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं उस फेस को उसने क्या बना दिया, कंट्रोल जी मैं करके कंट्रोल ऑल्ट जी करके चाहूँगा तो इसको मैं पीछे कर सकूँगा। तो ये आप देख सकते हैं किसने ओवरऑल फिर ओरिजिनल पे आ गया। अगर आप इसका नोज ट्विल करना चाहेंगे वो भी आप कर सकेंगे, जस्ट लेफ्ट क्लिक आप करेंगे और क्लिक किए रखना है आपने लेफ्ट क्लिक, तो आपके पास ये चीज़ ऑप्शन आ जाएगी। कंट्रोल सी से आप इसको बैक साइड पे जा सकते हैं आराम से, जितना भी आप चाहें बैक कर सकें।
तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो आ रही है पुकर टूल की। पुकर टूल क्या करता है, पुकर टूल जो है जो ज़्यादा चीज़ होती है उसको कम कर देता है। फॉर एग्जांपल ये इसकी चीन मुझे नज़र आ रही है, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकूँ तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी चीन जो है ना थोड़ी सी पतली हो जाए, तो वो कैसे होगी पतली, मैं फुल चीन वाले एरिया पर वो चीज़ ले आऊँगा और जस्ट पुकर टूल से ये चीन कितनी कम हो गई है, कंट्रोल जी करके मैं आपको दिखा सकूं तो कितना हमने डिफरेंस इस चीज़ में डाला है। तो मीन्स के अंदर चीज़ को ले जाने के लिए, जिस तरह अगर कोई आप स्टेट खड़ा हुआ है उसकी पिक्चर आपने ली हुई है, उसका पेट कम करने के लिए आप जो है रैप टूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि साइडों से आप काम कर सकते हैं लेकिन फ्रंट से नहीं कर सकते। लेकिन फ्रंट से आप करने के लिए क्या करेंगे, ये पुकर टूल यूज़ कर सकते हैं इजीली। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल हमारे पास आ रहा है ये बोल टूल। बोल टूल क्या करेगा, ये इसके पुकर टूल के उल्ट काम करेगा। वो क्या करेगा कि इसको बड़ा कर देगा। ये आप देख सकते हैं ये बड़ा होने शुरू हो गया है। कंट्रोल जी मैं इसको करता हूँ, फिर इसके ओरिजिनल पे ही लेके आता हूँ। इसकी मैं आई पे ले जाके आई के हिसाब से मैं इसको करके, जब मैं इसको इस तरह करूँगा ये आप देख सकते हैं इसने इसकी आई का बड़ा कर दिया बॉल्स। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आप किस तरह किसी तरह चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। पुश इनटू लेफ्ट मीन्स के ये हमारे सामने आ रहा है, तो जो नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो पुश लेफ्ट टूल है। ये आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पे पुश कर रहा है इसको, तो ये भी इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता। नेक्स्ट जो टूल हमारे पास आ रहा है वो है मास्किंग का। मास्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, वो उस लिहाज से भी है कि अगर आप किसी चीज़ को लॉक करना चाहते हैं कि सिर्फ इसी चीज़ पे ही काम हो, हम इससे ज़्यादा इस वो चीज़ लॉक उसी तरह रहे, उसके अलावा जितना भी हमारे पास एरिया है उसको हम मूवमेंट कर सकें, उसमें हम चेंजेस कर सकें, तो मास्किंग जब भी हम लोग जो है जब भी हम लोग किसी की फेस एडिट कर रहे होते हैं या किसी तरह लिक्विफाई यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको मास्किंग ज़रूर करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूजेबल टूल है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मास्किंग यूज़ करें। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जब मैं इसको साइज़ में ओवरऑल रख देता हूँ, कंट्रोल जी मैं करता हूँ, जस्ट मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करके फॉर एग्जाम्पल मैं इतना कर देता हूँ। और अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने इसको थोड़ा सा पतला करना है लड़की को, तो जस्ट मैं ऊपर वाले टूल पे, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मैं ऊपर वाले टूल पे जाऊँगा और मैं इसको साइज इसका वो कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि इसका हाथ मूव कर रहा है लेकिन वो वाला एरिया कभी नहीं मूव करेगा जो आपने मास्क किया हुआ है। लेकिन मास्किंग वाला एरिया आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप उस आपने उसको मा आपको उससे मास्क से हटाना पड़ेगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। जब मैं ओके करूँगा तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी, जिस तरह के मैंने क्या आपको बताया था कि आप स्टैम्प टूल में इसको वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी कि आप उसको अलग से वो कर सकें। इसको मैं रिलीज करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल इमेज क्या थी, और ये इसके बाद जब लिक्विफाई हुआ तो कितना इसने डिफरेंस डाला, कितना पतला कर दिया इसको। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है कि आप इस तरह इसको यूटिलाइज करते, कंट्रोल जे करके। कंट्रोल जे करके मैं इसकी एक और कॉपी ले लूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि इस पे मैं लिक्विफाई अप्लाई दोबारा से करूँ। मैं लिक्विफाई पे जाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसको पतला कर लिया जितना मैं इसको पतला करना चाह रहा था कर लिया। लेकिन बाकी टूल्स भी आपको साथ साथ समझाने हैं कि ये मैंने फ्रीज करने के लिए, मास्किंग को यूज़ करते हैं हम लोग। और जो नेक्स्ट जो टूल हमारे पास आ रहा है वो है टॉ मास्किंग टूल। तो ये किस काम आता है कि आप फ्रीज इस तरह इससे इसको फ्रीज करेंगे, ये जो ऊपर वाला टूल है ये फ्रीज मास्क टूल से इससे आप फ्रीज करेंगे। लेकिन जब नीचे वाला आ रहा है तो इसके आइकॉन से ही आपको पता लग रहा है कि ये रेज करेगा इसको, तो जो मास्किंग होगी इसका उलट करेगा। या आप इसको अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ सिलेक्ट हो गई है तो आप उसको अरेज कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपना रैप टूल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फेस टूल जो है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ लास्ट क्लास में, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि डाउन पे मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उधर से जाके इजिली इसको सीख सकते हैं। तो सिंपल सी ये टेक्निक्स थी कि आपने जो है ना लिक्विफाई को कैसे यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी मुश्किल लगती है, कोई भी परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे इसको यूटिलाइज करना है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे डिलीट कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक लेयर बनी हुई है। कंट्रोल जे करके मैं इसकी एक कॉपी कॉपी ले लेता हूँ और जो मैंने एडिटिंग किया है उसको मैं
हाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो मैंने किया है लिक्विफाई इसका किया है, ये ऑन हो जाए तो ये हमारे पास ऑन हो जाएगा। जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास लिक्विफाई ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा, इसको जस्ट ड्रैग करके इस पर लेके जाऊंगा और डिलीट पे लेके जाऊंगा तो ये हमारे पास लिक्विफाई डिलीट हो जाएगा। इसको मैं दोबारा इस पर करूंगा तो हमारे पास लिक्विफाई डिलीट हो जाएगा। ये देखें लिक्विफाई उसने डिलीट कर दिया। तो जितनी भी आपके पास लेयर्स होंगी आप उसको इजीली उसको लिक्विफाई को डिलीट कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस पर और आपका लिक्विफाई डिलीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। छोटी सी क्लास थी लेकिन जो टूल्स हैं, जो फिल्टर्स हैं, टूल्स तो मैं ऑलरेडी ये वाले एंड वाले ये लेफ्ट साइड वाले टूल्स मोस्टली आपको समझा चुका हूँ। ये जो 2019 में एक्स्ट्रा टूल्स आए हैं वो एक एक करके आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं समझाता जाऊँगा। तो 2019 की इंट्रोडक्शन की क्लास भी मैंने आपको दी थी तो वो भी मैं एंड पे उसका लिंक दे रहा हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी, बहुत ज़बरदस्त टूल्स आए हैं 2019 में, आप उधर से जाके सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाब दिन उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।